नमस्कार दोस्तों। तो आज इस चैलेंज का छठा दिन है। मैं 5 मिनट्स आर्म टोनिंग एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा, सो मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि हम रेगुलरली कर रहे हैं, और इसको करने के लिए एक ही रूल है कि आपको अपने हाथ जो है, दोनों हाथों को नीचे नहीं लाना है जब तक एक्सरसाइज पूरी ख़त्म नहीं हो जाती है। तो चलिए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को एक बार रोल करेंगे, फिर उसके बाद पाम साफ डाउन, ऊपर नीचे अप डाउन। इसको कम से कम 20 बार करना है। ये एक्सरसाइज रिस्ट के लिए बहुत अच्छी है, जो फर्स्ट वाली सबसे पहले करके दिखा रहा हूँ मैं। जो लोग कर रहे हैं उनके रिस्ट में असर आ रहा होगा। अब इसको फ्रंट की तरफ सर्कुलर बनाएंगे, सर्कुलर फॉर्म में आगे की तरफ ऐसे मूव करेंगे 20 बार कम से कम। फिर उसके बाद रिवर्स, पीछे से आगे। इसके बाद फ्रंट स्ट्रेट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। कोहनिया बिल्कुल सीधी, कोई बेंड नहीं आएगा। सारा जोर जो है वो शोल्डर पे देना है। इसको भी कम से कम 20 बार करना है। 90 डिग्री तक ये हाथों को मिलाएंगे सामने, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। अपनी सांसों को होल्ड ही करना है, लगातार सांस लेते रहना है। और जो थंब रूल है कि अपने दोनों हाथों को नीचे नहीं करना है जब तक ये पूरी एक्सरसाइज खत्म नहीं हो जाती है। सामने की तरफ मिलाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे। ओपन क्लोज, ओपन ओपन ओपन। जो लोग एक्सरसाइज को 5 मिनट तक पूरा कर लेते हैं उनको इसका असर पता चलेगा। हाथों को पूरा स्ट्रेच करना है बिना किसी बैंड के, और ऊपर नीचे करना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, करीब 20 बार। होल्ड, स्ट्रेट अप साइड, स्ट्रेट अप साइड, स्ट्रेट अप साइड, स्ट्रेट अप साइड। लगातार इस एक्सरसाइज को करते रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हाथों को नीचे नहीं लाएंगे। होल्ड, लास्ट की दो एक्सरसाइज, उसके बाद 5 मिनट्स आर्म टोनिंग एक्सरसाइज आज के हमारी खत्म हो जाएगी। रोल, स्मॉल सर्कल्स फ्रॉम बोथ हैंड्स, रिवर्स। पहले आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड कुछ भी कर सकते हैं, एक बार बैकवर्ड एक बार फॉरवर्ड करते हैं। होल्ड और पीछे की तरफ शोल्डर्स को पंप करना है बिना एल्बोज को बेंड करें। जो लोग लगातार कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, बहुत पेन होना शुरू हो जाएगा ऑलरेडी हाथों में, लेकिन अभी तक आपने हाथों को नीचे नहीं किया है तो आप बेस्ट कर रहे हैं। आसमान की तरफ दोनों हाथों को,
डंबल की सांसें भरेंगे और अपने हाथों को शेक करेंगे, एक तरफ स्ट्रेच और फिर दूसरी तरफ स्ट्रेच। को पता चल रहा होगा ये एक्सरसाइज, जो लोग कर रहे हैं उन्हीं को पता चलेगा कि इसका असर क्या हो रहा है। सो आई होप आप 5 मिनट तक लगातार ये पूरी एक्सरसाइज कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो डेली ट्राई करिए, फर्स्ट टाइम नहीं होगा तो थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम कभी ना कभी ज़रूर कर पाएंगे और इसका असर आपकी आमदनी पर होता है। थैंक यू सो मच।